हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। अब टैली प्राइम में हमें क्या सीखना है, क्या हम करने वाले हैं, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो आइटम डिलीट कर देता हूँ जो मैंने बनाया था, जो रिलेटेड टू द वीडियो है, आज के वीडियो से रिलेटेड है, तो उस स्टॉक आइटम को हमें डिलीट कर देना होगा, तो ये डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, स्टॉक आइटम की बात कर रहे हैं यानी इन्वेंट्री की आज हम बात करेंगे, और उस इन्वेंट्री में हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जिन पर टैक्स तो लगता है, जीएसटी तो अप्लाई होता है, लेकिन 0% होता है यानी निल रेटेड होता है। तो वो जो है कौन कौन से स्टॉक आइटम है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, निल रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैगरी है, अब ये ग्रेन्स है लाइक वीट, राइस, और फिर उसके बाद सॉल्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जो है 0% की जीएसटी लगती है। जैगरी माने मीठा, जो क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं ना, तो गुड़ जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी अप्लाई होता है, लेकिन कितना परसेंट, 0%। तो गुड़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर 0% की जीएसटी अप्लाई होती है, ठीक है। इसी तरह से ग्रेन्स जो है लाइक गेहूं है, चावल है, और उसके बाद से सॉल्ट यानी नमक पर भी क्या है, जीएसटी अप्लाई होता है, लेकिन कितना परसेंट, 0%, यानी निल रेटेड वाले ये प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए एक बना करके देखते हैं, एक एंट्री पास करके देखते हैं टैली प्राइम में। तो सबसे पहले वाउचर में आ जाइए, और यहां पर वाउचर में सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाइए और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, परचेज अकाउंट का लेजर लगाना है। लेजर लगाने के बाद यहां पर स्टॉक आइटम की बात करनी है, तो स्टॉक आइटम हमने डिलीट कर दिया है, बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा सॉल्ट कर लेते हैं, टाटा नमक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने टाटा सॉल्ट, SALT, बस एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर हमें किलोग्राम में रखना है, किलोग्राम कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मान लीजिए 5 किलो खरीद रहे हैं नमक, ठीक है, और एक की कीमत है 22 रुपए, तो ये यहां पर आ जाएगा पूरा डिटेल, ठीक है, देख लिया। अब यहां पर जीएसटी की बात करेंगे, तो अगर हम जीएसटी लगाते हैं तो इस पे नमक पे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, ठीक है, नील रेटेड होगा। तो यहां से आप एक और काम कर सकते हैं, यहां से F11 की प्रेस कर लीजिए, और ये जो जीएसटी है ना, इसको यहीं से सेट कर सकते हैं आप, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो यहां पर चले जाइए, Y प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये एक विंडो ओपन होगी। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर रखना है, और बाकी सारी डिटेल्स GSTIN नंबर वगैरह आप डाल लीजिए। फिर यहां पर आइएगा, तो यहां पे सेट अल्टर ऑब्लिक जीएसटी डिटेल, जो भी है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहां पे आप डाल दीजिए, ठीक है। इसका एचएसएन कोड और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहां पर जैसे ही आते हैं आप, तो यहां पे टैक्स पहले से अप्लाइड है, लेकिन यहां पर हमें आना है टैक्सेबिलिटी में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको जीएसटी जो है हमें सिर्फ 0% देना है, यानी कि निल रेटेड जीएसटी देना है। तो यहां पर निल रेटेड कर दीजिए, और निल रेटेड जैसे ही करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके फिर एक बार और कर दीजिए कंट्रोल ए, फिर एक बार और कर दीजिए कंट्रोल ए, काम हो गया है। यहां पर अब जब जीएसटी आप लगाएंगे लाइक सीजीएसटी, तो यहां पर सीजीएसटी लग गया, यहां पर लगाइए एसजीएसटी, तो ये एसजीएसटी लग गया, दोनों ही लगा दिया आपने। और लगाने के बाद अब यहां पर इसको न्यू रेफरेंस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसकी रिपोर्ट आपको देखनी है, बाहर आ जाइए, दोबारा टी प्रेस कीजिए, और यहां पर तो देखिए ये जो एंट्री थी वही हमारी एंट्री है। अब यहां पे हमने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जरूर था, लेकिन वो यहां से गायब है। तो अभी एक सोल्यूशन इसका ये भी है कि आप जब नील रेटेड प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो वहां पे जीएसटी अप्लाई ही मत कीजिए, ठीक है। एक और एंट्री अभी मैं पास करके दिखाता हूँ, रिपोर्ट तो आपके सामने, अगर इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ से इसकी प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। देखिए यही है, इस पे जीएसटी दिख रहा है, हालांकि आपने अप्लाई किया था और वहां पे लिख के भी आ रहा था सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी था, ठीक है, लेकिन यहां पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बाहर आ जाता हूं, ठीक है, ये आ गए हम बाहर, और बाहर आने के बाद यहां पे वापिस से चलते हैं कहां पे, गेटवे ऑफ टैली पर, और एक और एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक और एंट्री पास कर लेते हैं, तो ये एंट्री पास कर लेता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं, और यहां पर वही क्रिएटर पार्टी ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और एंटर प्रेस करते हुए आ जाते हैं यहां पर, और यहां परचेज अकाउंट का लेजर लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर लेता हूं मैं टाटा सॉल्ट, ठीक है, आप चाहे तो कोई और भी बना सकते हैं, लाइक यहां पे कर देता हूं वीट, WHEAT वीट, ठीक है, ग्रेन भी ले सकते हैं, ग्रेन भी नील रेटेड में आता है, तो यहां पे किलोग्राम कर देते हैं, ठीक है, तो ये केजी, तो ये कर दिया मैंने, और एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस किया। अब मान लीजिए 50 किलो गेहूं आप खरीद रहे हैं, और 1 किलो गेहूं की कीमत है
लगभग 18 रुपए कर देता हूं मैं, तो ये हो गया। और 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 900 का आपने गेहूं परचेस किया। और अगर नील रेटेड है तो यहां पे आप जीएसटी ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि वहां पे तो जीएसटी आ ही नहीं रहा है। अगर मैं लगा भी देता हूं, लाइक अभी मैंने लगा के आपको दिखाया, तो भी जो है वो आएगा नहीं, तो आपको डायरेक्टली कंट्रोल ए प्रेस करना चाहिए और यहां से बाहर आइए और रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के लिए आपको कहां जाना है, यहां पर, और ये रिपोर्ट ओपन हो गई है। अब यहां से इसको प्रिंट करवा लीजिए, अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से आई बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये रिपोर्ट भी प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए ना, रिपोर्ट भी वैसे ही प्रिंट होकर आया है। तो आप दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं है, नील रेटेड का मतलब 0% जीएसटी, तो मतलब वो नील ही है, वो लगेगा नहीं जीएसटी। ठीक है, वो शो भी नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये जीएसटी अगर नील रेटेड रहेगा किसी प्रोडक्ट पे तो कैसे वो काम करेगा, कैसे जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, अगर आप वीट पे दे भी देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आप जीएसटी लगाने की भी कोशिश करते हैं, तो ये देखिए यहां पर आए, यहां पर आए और यहां पर लगाइए सीजीएसटी। ठीक है, तो ये सीजीएसटी लगा दिया हमने, और फिर यहां पर आइए एसजीएसटी लगाइए, तो ये एसजीएसटी लगा दिया हमने, तो दोनों ही लगा दिया, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट कराता हूं। देखिए एक्सेप्ट करा लेंगे तब दिखेगा, तो ये आ गया, एक्सेप्ट करा लिया। अब फिर वहीं पे चलते हैं वापस से रिपोर्ट देखने के लिए, तो ये देखिए यही रिपोर्ट है ना, एक बार पूरा बाहर आ जाता हूं, पूरा दिखाता हूं शुरू से। यहां पे एक बार डीप्रेस करता हूं, फिर एक बार डीप्रेस कर लेता हूं, और यही वाला आपका है एंट्री। ठीक है, 900 का खरीदा गया था जो गेहूं, तो देखिए यहां पर अब जीएसटी गायब है। तो जीएसटी नील रेटेड का मतलब ही हो गया कि उस पर 0% जीएसटी लगेगा, तो आपको जीएसटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।